तो आज आपको इन चिप्स के अंदर की गैस की सच्चाई का पता चलने वाला है। तो इन चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि इनके अंदर के चिप्स सही सलामत रहे। लेकिन क्या होगा अगर हम इन चिप्स के पैकेट के अंदर अलग अलग तरह की गैसों को भर दें? क्या ये दूसरी गैसें भी हमारे चिप्स को सही सलामत रख पाएगी या फिर नहीं? चलो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। इसके लिए मैं मार्केट जा करके एकदम ब्रांड न्यू चिप्स के पैकेट खरीद लाया। चलो अब इनके अंदर की नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। अब मैंने इस पैकेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया है और दूसरे पैकेट के अंदर ऑक्सीजन गैस, तीसरे के अंदर एसिटिलीन गैस और चौथे पैकेट के अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैंने विनेगर और इनो से बनाए हैं, एसिटिलीन गैस को कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोजन गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल से बनाए हैं और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से बनाए हैं। चलो अब इन पैकेट्स को पूरे 15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं और फिर 15 दिनों बाद इन पैकेट्स को खोल करके देखेंगे कि कौन सी वाली गैस ने चिप्स को खराब किए हैं और कौन सी वाली ने नहीं। पार्ट 2 15 दिन बाद।